हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कॉर्न को परफेक्ट तरीके से कैसे बॉईल किया जाए। देखिए, ये बॉईल्ड है, बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हुए हैं, एकदम जूसी हैं, टेंडर हैं और बहुत ही आसानी से ये निकल पा रहे हैं दाने। इसे हम प्रेशर कुकर में कुक करेंगे, बॉईल करेंगे मेरा मतलब है, और ये खाने में भी एज़ कम्पेयर टू रोस्टेड वाले जो कॉर्न होते हैं उनसे हेल्दी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में पानी डालेंगे। पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको उतना पानी डालना है जितने में आपके जो कॉर्न है वो पानी में डूब जाए। बस इतना ख्याल रखिए कि पानी के अंदर वो हो, बाहर ना हो, ताकि सारे जो कॉर्न के दाने हैं वो अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। इसमें स्वाद अनुसार नमक नहीं डालना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, तभी जो कॉर्न है अपने अंदर जो नमकीन टेस्ट है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं और थोड़ा सा कलर एनहांस हो जाए उनका। इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। हल्दी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीला कलर आए इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमारा जो भुट्टा है उसे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। अगर आपका कुकर बड़े साइज़ का है तो आप पूरा एक साथ भी डाल सकते हैं, अगर कुकर छोटा है तो आपको इस तरीके से टुकड़े करके डालना होगा ताकि अच्छे तरीके से पानी में डूब जाए और बॉईल भी हो जाए। इन्हें डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन जो है उन्हें बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हमें 4 या 5 सीटीज की लगवा लेनी है। अगर कम क्वांटिटी में है पानी तो आप ज़्यादा सीटी लगवा लीजिए, अगर एकदम भरा हुआ है, आपने ज़्यादा कॉर्न का इस्तेमाल किया है, जैसे कि 3, 4, 5 कॉर्न डाले हैं टोटल, तो आप 3 सीटियाँ लगवा देंगे तो ये हो जाएगा। तो बस आप इसे गैस पर रख दीजिए, अच्छी तरीके से गर्म होने दीजिए और 4-5 सीटी लगने के बाद गैस को आपको बंद कर देना है इस तरीके से। देखिए 4 सीटी लग चुकी है, मैंने कुकर को निकाल लिया है। आपको इसकी जो भाप है, जो स्टीम है, उसे नहीं निकालना है, अपने आप रिलीज़ होने दीजिए आप कुकर में से। कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं उसमें। जब सारी स्टीम कुकर में से रिलीज़ हो जाए अपने आप, तभी ही आप इसका ढक्कन खोलिए। ढक्कन खोलने के बाद आप चेक कर सकते हैं एक दाना इसका निकाल के, अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कसर बाकी है, मुझे थोड़ा और कुक करना चाहिए था, तो दोबारा ढक्कन लगाकर आप 1-2 सीटी और लगवा सकते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पर ये परफेक्टली ही रेडी हैं, फ़िलहाल गर्म है तो थोड़ी देर में चेक करेंगे। बिल्कुल बढ़िया ये बॉईल हो चुके हैं, मुझे दोबारा इसको कुक नहीं करना पड़ा है। आप भी इसी तरीके से बॉईल कीजिए, चाहे तो पूरा भुट्टा एक साथ डाल सकते हैं या फिर इसके दाने निकाल के भी आप इसे कुकर में बॉईल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ईजी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप फ्यूचर में मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।